बेरिया ने विनीता के साथ आई। देखते हैं शायद कुछ खास और बड़ी खबरें। अलीराजपुर जिले में अवैध शराब का कारोबार जोरों पर चल रहा है। शराब माफियाओं के द्वारा सीमा से लगे गुजरात राज्य तक अवैध शराब की सप्लाई की जा रही है, लेकिन जिले के आबकारी विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उक्त आरोप भील सेना संगठन के सुप्रीमो शंकर बामनिया, प्रदेश अध्यक्ष रमेश बधेल और भील सेना संगठन के जिलाध्यक्ष चतर सिंह मंडलोई ने एक प्रेस वार्ता में लगाए। भील सेना सुप्रीमो शंकर बामनिया ने कहा कि अलीराजपुर जिला पिछले 4-5 महीनों से अपराधों में नंबर 1 पर पहुंचा है। जिले में आए दिन कोई ना कोई अपराध घटित हो रहे हैं। मर्डर, लूट, चोरी, अवैध शराब की सप्लाई जैसे कई घटनाएं जिले में संचालित हो रही हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जिले में पुलिस कप्तान तो सही तरीके से अपराधों में लिप्त आरोपियों को पकड़कर अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मगर जिले का प्रशासनिक अमला अवैध कारोबारियों का पर मेहरबान है, जिसके कारण जिले में अवैध शराब माफियाओं का एक तरफा राज चल रहा है। इसी शराब माले मामले में भील सेना संगठन के समस्त हमारे जो पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने पूरी टीम बनाई है जो पूरे जिले के अंदर, जैसे आपको पता होगा कि उधर बाग तरफ से आते हैं जो बट जहां पर लगता है सीमा, वहां पर हमारे भील संगठन की टीम रहेगी। वो तत्काल जो भी अवैध गाड़ियां आती है वो पुलिस प्रशासन और अधिकारी आबकारी अधिकारी को तत्काल वहां पे रोक कर उनको गाड़ियां का चेक करवाएगी और पकड़ाएगी। और उसके बाद नानपुर से जो नानपुर का रूट है वहां पर भी हमारे 11 लोगों की हमने टीम बनाई है, वो भी वहां पर सर्चिंग करेगी, क्योंकि प्रशासन तो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन हमारे संगठन के माध्यम से हम लोग जो आदिवासी बेल्टों के अंदर जो अवैध शराब बिक्री हो रही है उसी के कारण जो जिले के अंदर घटना घट रही है और पूरा जड़ है शराब। शराब जो आज आने वाले समय में शादियां भी आ रही है, अभी आपने देखा होगा प्रशासन जितने भी प्रशासन वहां साथ में थे उसके बाद ये घटना घट गई, उसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। आने वाले समय में आदिवासी अंचलों में शादियां आ रही है जो रात भर हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, तो आप सोच लीजिए कि वहां पर क्या होगा जब अभी प्रशासन के सामने इतनी बड़ी घटना हो जाती है और कहीं ना कहीं ये अवैध शराब बिक्री हो रही है उसी की वजह से हो रहा है। तो भील सेना संगठन के समस्त पदाधिकारी है उन लोगों को हमने सभी को बोल दिया, चाहे भाभरा की बात आती हो, चाहे छकतला की बात आती हो, जितने भी चांदपुर बॉर्डर है वहां सारे हमारे लोगों को हमने लगा दिए, पूरी टीम बना दी है। प्रशासन तो कुछ नहीं करा, लेकिन हम हमारे संगठन के माध्यम से गाड़ियां रुकवा कर वो चेक करवाएंगे और पकड़वाएंगे, तब हम देखते हैं कि अधिकारी आता है कि नहीं आता है। यहाँ पर जगह जगह अवैध शराब बिक रही है, उसका हम भील सेना संगठन पूरा जोर शोर से विरोध कर रहा है। और आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले गुजरात के दाहोद जिले में भी 10 गाड़ियाँ अवैध शराब पकड़ाई है, उसमें भी मध्य प्रदेश के कुछ ठेकेदारों का नाम, यहाँ जो मध्य प्रदेश के अंदर जो अलीराजपुर जिले के अंदर ठेकेदार है झाबुआ के अंदर, उनका नाम आया है। ऐसा ही 1 महीने पहले सोरवा के अंदर भी शराब पकड़ाई, उसमें भी यहाँ के ठेकेदार और यहाँ के जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनका नाम आया है। और पूरी तरह अलीराजपुर जिले में शराब माफियाओं का कब्जा चल रहा है, यहाँ पर अवैध शराब बिक्री कर रहे हैं, जो दुकान के नाम पर अवैध शराब बिक रही है उसका भील सेना संगठन पूरा जोर शोर से विरोध कर रहा है। और जो भी शराब अवैध शराब की गाड़ियाँ अलीराजपुर जिले के अंदर दिखेगी, जहाँ पर हम लोग जहाँ भी दिखे हमारे संगठन के लोग मिलकर उसको पकड़ाएंगे और तत्काल अधिकारियों को बुलाकर वहाँ पर उसकी कार्रवाई करवाएंगे। जिस प्रकार पूरी आबकारी विभाग का मामला है, आबकारी विभाग से आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस विभाग छोटा मोटा कार्रवाई कर रही है, लेकिन आबकारी विभाग तो बिल्कुल सोया हुआ है और ये आबकारी विभाग के अंडर में आता है, बिल्कुल ठेकेदारों से उनको बिल्कुल अच्छा मलाई रबड़ी मिल रही है, इसलिए बिल्कुल आदिवासियों को मरने के लिए वो छोड़ रहे हैं। और उनका कहना यह था ट्राइबल जिला है, इन पे बोलने वाला कौन है भाई, सभी लोगों को मैनेजमेंट कर लेते, ये कर लेते, ऐसी बातें चलती हैं, लेकिन आदिवासियों के साथ जो घटना हो रही है, सिर्फ अवैध शराब जो बिक्री हो रही है, जगह जगह ढाबों पे बिक रही है, दुकानों पे बिक रही है और खुल्लेआम गाड़ियों से धड़ल से रात में बिक रही, दिन में बिक रही है, सब अवैध शराब बिक रही है। और ये पूरी जो घटना हो रही है सिर्फ अवैध शराब के कारण ही हो रही है।